महाराष्ट्र पुलिस पहुंची दरभंगा। दरभंगा जिले के मब्बी थाना क्षेत्र में लड़के लड़की जो महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, प्रेम प्रसंग में वहां से भाग गए। उसके बाद ये दरभंगा में आके एक कबाड़ी के दुकान में कबाड़ी का कारोबार करने लगे एवं उसमें ये कार्य करने लगे। वहीं ठाणे थाना क्षेत्र के रहने वाले नीलू अर्जुन यादव जो लड़की की माँ है, उसने एक आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद ली। उसके बाद लोकेशन के आधार पर वह लड़का जो लड़की को लेके भाग गया था, दरभंगा का लोकेशन मिला। महाराष्ट्र पुलिस पहुंची दरभंगा। लड़का का नाम विकास शंकर कनौजिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़के लड़के को किया बरामद, अपने साथ ले गई। इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर कमलाकर मुंडे ने दी पूरी जानकारी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा, हिंदी में बात करने का। हाँ, हिंदी। हाँ, अच्छा बताया जाए, ये दरभंगा जिला का मब्बी थाना ओपी है और आपके बैच पर महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ है। क्या है पूरा मामला और क्या? देखो जी, हम महाराष्ट्र पुलिस है, ठाणे जिले से आए हैं। यहाँ पे हमारे पास नीलू अर्जुन यादव नाम की एक औरत है कि जो हमारे ज्यूरिडिक्शन में रहती है। उन्होंने हमारे इधर एक कंप्लेंट दर्ज किया था 9/2/22 को, क्योंकि उसकी नाबालिग लड़की एक लड़के के साथ भाग चुकी है, ऐसा हमारे यहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया था। जो कि कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ खुद। इस कंप्लेंट के जांच के दरमियान हमें पता चला कि ये लड़की जो है विकास शंकर कनौजिया नाम का लड़का है, जिसके साथ ये भाग के आई है। तो हमने इसका सब टेक्निकल जानकारी निकाल के हम महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट से बिहार डिस्ट्रिक्ट में आपके दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। अभी हम जांच कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण की। लड़का लड़की को पूछताछ करने के बाद बावजूद आगे की जांच हम जारी रखेंगे। अच्छा, ये है आपके थाने में ये कब आवेदन मामला दर्ज हुआ था? आपको बताया मैं, 9/2/22 को ये FIR दर्ज हुआ है। तो जो आवेदन किए वहाँ यहाँ आपके थाना क्षेत्र में स्थानीय निवासी हैं? यस यस। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर कमलाकर मुंडे, शाहपुर पुलिस थाना, डिस्ट्रिक्ट ठाणे रूरल, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।